सन 1947 वो साल रहा जिसमें आखिरकार इस लंबी लड़ाई का अंत होने जा रहा था, जिसमें हमारे हजारों लाखों वीर शहीदों और क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्योछावर किए थे। दरअसल अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने का फैसला कर लिया था। इस आजादी के फैसले के साथ वैसे तो कई समस्याएं सामने मुंह बाए खड़ी थी, लेकिन इनमें एक समस्या झंडे की भी थी कि आखिर देश का झंडा कैसा हो। देश के झंडे को लेकर सभी बहुत ऊहापोह में थे। ज्यादातर लोगों का मानना था कि कांग्रेस पार्टी के झंडे को ही देश का झंडा मान लिया जाए, लेकिन कुछ का मानना था कि कांग्रेस पार्टी के झंडे से देश के झंडे को अलग होना चाहिए। 23 जून 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक एंड हॉक कमेटी का गठन किया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचार्य, के एम मुंशी और बी आर अम्बेडकर को शामिल किया गया। इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई आजाद भारत का झंडा बनाने की। इस कमेटी की बैठक 3 हफ्ते तक चली और आखिरकार कमेटी ने फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी के झंडे में थोड़े बदलाव किए जाए और इसे ही आजाद भारत का झंडा मान लिया जाए। जो बदलाव एंड हॉक कमेटी की तरफ से सुझाए गए थे, उनमें सबसे बड़ा बदलाव सफेद पट्टी पर बने चरखे की जगह अशोक चक्र के इस्तेमाल का था। कमेटी का मानना था कि अशोक चक्र भी चरखे का ही प्रतीक है, जो आत्मनिर्भरता को दिखाता है। कमेटी ने जब ये फैसला लिया कि झंडे के बीच में चरखे की जगह अशोक चक्र को लिया जाए, तो इसकी जानकारी महात्मा गांधी को भी हुई, जिससे वो नाराज हो गए। उनका कहना था कि 1931 में जिस झंडे को उन्होंने स्वीकार किया था, वो ही आजाद भारत का झंडा होना चाहिए। साथ ही झंडे के बीच से चरखे को हटाने के तो वो बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि चरखे के बिना भारत की सही तस्वीर पेश नहीं की जा सकती। हालांकि बाद में उन्हें बड़े नेताओं ने किसी तरह से ये कहकर मना लिया कि चक्र भी चरखे का ही प्रतीक है। हालांकि बेमन से ही सही, लेकिन गांधी जी ने इसे आखिर स्वीकार कर लिया। एंड हॉक कमेटी ने अपनी बैठक में फैसला लिया कि 14 जुलाई 1947 को संविधान सभी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के झंडे के प्रस्ताव को पेश करेंगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही। आजादी से मात्र 24 दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रस्ताव दिया और उसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। जो स्वरूप सामने आया वो कुछ ऐसा था। सबसे ऊपर केसरिया रंग, जो भगवा रंग से लिया गया, जो पूर्व काल से अखंड भारत का झंडा रहा, जिसके नीचे पूरे आर्यव्रत ने अपना भूत भविष्य और वर्तमान बुना, बीच में सफेद पट्टी जो शांति और सौहार्द का प्रतीक है, सबसे नीचे हरा रंग जो भारत की समृद्धि और विकास की निशानी है, और बीच में नीले रंग का अशोक चक्र जिसमें 24 कमानियां हैं, जो आत्मनिर्भरता और दिन के 24 घंटों का प्रतीक है। और आखिर में मैं ये भी बता दूं कि पहली बार 16 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जरिए लाल किले की प्राचीर पर मैं फहराया गया, और तब से लेकर आज तक हमारी आन बान और शान, हमारी प्रगति, हमारे शौर्य और विकास का प्रतीक तिरंगा और भी बड़ी शान से लहरा रहा है, जो मस्तक है हमारे देश का, हमारे स्वाभिमान का। जय हिंद। अंग्रेजी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए
वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।